हेलो दोस्तों, यार कैसे हो आप लोग। आज मैं कुछ ऐसा आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप अगर लड़की से बोलोगे तो यार लड़की आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको प्यार करेगी। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की टिप्स मिलती है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को जो अभी बताने वाला हूँ, भले ही आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा छोटी बातें लगें, लेकिन यार ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और दमदार होती हैं। वही पार्टनर जो आपको ठीक से प्यार नहीं करता या फिर आपको उतना प्यार नहीं करता जितना आप उसे करते हो, अगर आप उस लड़की को जो मैं आपको भी बताऊँगा वो सब बोलोगे ना, तो यार लड़की आपको भाई भर भर के दबा के प्यार देगी। बस मैं आप लोगों को जो अभी बताने वाला हूँ उसको ठीक से समझ लो। अब समय ना वेस्ट करते हुए सीधा आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पे। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, आपको यही बोलना होता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और इसकी खास बात क्या होती है। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या नहीं बोलना होता है। देखो यार, आम तौर पर आप लोग ये बोलते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस तरह प्यार करता हूँ, उस तरह प्यार करता हूँ। तो यार इसमें कोई खास बात नहीं होती। साथ ही साथ अगर आप कुछ और बोलते हो, जैसे कि क्या तुम मुझे ज़्यादा प्यार करती हो या फिर मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस तरह की अगर आप क्वेश्चनिंग करोगे तो ये भी उतना पावरफुल नहीं होता है। हो सकता है कि लड़की आपको बोल दे कि हाँ मैं तुमको ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, इसका कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यार लड़की बोल तो देगी, लेकिन क्या वो इसको अप्लाई भी करेगी, यानी कि क्या वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करने लगेगी, तो ऐसा नहीं होता है। लड़की बस आपको बोल देगी कि मैं तुमको काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो ऐसा करने लगे ये ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप ये बोलोगे कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, आपको बस यही बोलना होता है। अगर लड़की कुछ छोटी मोटी हरकत भी आपके लिए करती है ना, चाहे वो छोटी सी ही कोई बात क्यों ना हो, तो भाई उस बात को लेकर आप ऐसा बोल सकते हो कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, आपको यही बोलना होता है। अब इसमें जो मेन बात होती है वो ये होती है कि आप ये पूरे यकीन के साथ बोल रहे होते हो, यानी कि आप जिस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोल रहे हो ना कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तो इससे लड़की को ये लगता है कि वो ऐसा कुछ ना कुछ तो आपके लिए कर ही रही है, जिसके कारण आपको ये लगता है कि वो लड़की आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही है। इसीलिए मेरे भाई लड़की इसको पूरे यकीन के साथ एक्सेप्ट करती है, साथ ही साथ उसको काफ़ी अच्छा लगता है, और आप देखोगे यार कि लड़की आपको उतना प्यार करने भी लगती है। पॉइंट नंबर 2, तुम बहुत अच्छा बोलती हो। देखो यार, आपको ये बोलना होता है कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो, कितना प्यारा बोलती हो। जब आप ऐसा बोलोगे ना तो इसमें क्या होता है पता है, लड़की की आपसे बात होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि लड़की आपसे काफ़ी ज़्यादा बात करेगी, काफ़ी ज़्यादा समय तक बात करेगी जब आप उसको ये बोलोगे कि तुम कितना अच्छा बोलती हो। अब इसके बाद होता यही है यार कि लड़की को ऐसा लगता है कि क्या सच में मैं इतना ज़्यादा अच्छा बोलती हूँ, क्या सच में मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है। लड़की भाई भले ही कैसे भी बोलती हो, भले ही उसकी आवाज़ ज़्यादा खास ना हो, लेकिन आपके ऐसा बोलने पर उसको अपनी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा खास लगने लगेगी, और लड़की आपको काफ़ी ज़्यादा समय देगी, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगी, और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर एक बात याद रखना कि आपको ऐसा बार बार नहीं बोलना है, ऐसा नहीं कि आप दिन में ये कई बार रिपीट करते हो। ऐसा करोगे तो यार इसमें कोई खासियत नहीं रह जाएगी। आपको ये कभी कभार बोलना है, किसी खास समय में, किसी खास मौके में ही बोलो। जब भी आप ऐसा लड़की से बोलोगे तो यार वो ये जाहिर नहीं करेगी कि वो ये सब एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन उसके दिमाग में ये हमेशा चलता रहता है। और मज़ेदार बात तो ये है कि इसके बाद आप लोग देखोगे कि वही लड़की जो पहले भले ही आपके साथ नॉर्मली बात करती थी, चाहे कुछ खास तरीके से बात करती हो या फिर ना करती हो, लेकिन ऐसा बोलने के बाद अब वो बड़े ही अच्छे तरीके से बात करेगी, बड़े ही मीठे तरीके से बात करेगी। पॉइंट नंबर 3, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर आप ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ना कि आप ये बोलो कि तुम्हारी स्माइल दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको यहाँ पर अपने आप को जोड़ना है। तो यार इन दोनों बातों के डिफरेंस को समझो, कभी कभी आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाते हो। अगर आप ये कहोगे
कि तुम्हारी स्माइल दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर आपकी कोई बात ही नहीं हो रही, आप तो उस बात को लेकर जुड़े ही नहीं। तो बात को अच्छी तरह पहले समझ लिया करो। अब मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, आखिर इससे क्या खास होगा। और हो सकता है कि लड़की तो ये कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आप बस ऐसे ही बोल रहे हो। तो मैं यार आपको बता दूं, भले ही लड़की कुछ भी आपको बोले, ठीक है, भले ही लड़की आपको ऐसा कहे कि मेरी स्माइल खास नहीं है या फिर तुम बस ऐसे ही कह रहे हो, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेन बात होती है वो ये होती है भाई कि उसको अंदर से मज़ा ज़रूर आ जाता है, उसको अच्छा ज़रूर लगता है। और आप देखोगे कि उसके बाद से लड़की आपकी बातों पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करेगी, ठीक है। आप अगर कुछ भी बोल दो, छोटा मोटा जोक मार दो या फिर कुछ हल्की फुल्की बात भी कर दो, तो लड़की स्माइल करेगी, अच्छे से आपकी बातों पर रिएक्ट करेगी। यहाँ पर भी आप इस बात को याद रखना कि आपको ऐसा बार बार नहीं बोलना होता है कि आप हर एक स्माइल पर ये बोलते रहो, ऐसा नहीं है यार। आपको कभी कभार जब वो आपके सामने स्माइल करे ना, तो आप उसको ऐसे जता सकते हो कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि स्माइल करे तो आप ऐसे कह सकते हो कि वाह क्या स्माइल है, मतलब कि कभी कभार आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो यार यही था इस वीडियो में, इन तीनों टिप्स को आप ज़रूर ट्राई करना यार, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। आप देखोगे कि लड़की से आपका प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं बाद में कुछ और नई दमदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए।